हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो मार्केट चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बजाज ईएमआई कार्ड से, वो भी 1777 रुपये की ईएमआई से, आप ओप्पो A74 कैसे खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये 5G मोबाइल है, तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स बता दूँ, अमेजोन पर इसकी प्राइस जो है 15,990 है, जो एक्चुअल प्राइस है, लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड से हम नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर oppo.com विज़िट कर लें। फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट पे मोबाइल की रेंज ज़्यादा है, ईएमआई कार्ड से खरीद सकते हैं, लेकिन मोबाइल की जो रेंज दे रखी है उन्होंने 17,500 ऐसी दे रखी है। तो फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ वो तरीके ऐसे आप चलिए, आपको आपका ओप्पो A74 5G मोबाइल मिल जाएगा फ्रेंड, वो भी किस्तों में। देखिए, हम ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, 3 डॉट पर हमने क्लिक किया है और फिर साइन इन पर हमने क्लिक कर लिया है। साइन इन पर क्लिक करिए फ्रेंड, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसमें खाता बना हुआ है, जिसका नहीं बनाया खाता बना सकते हैं। खाता बनाने के लिए खाता बनाए पर क्लिक कर लें। फ्रेंड्स बता दूं, खाता बनाना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। सपोज़ मेरा मोबाइल नंबर 1234567890 है, उसको टाइप कर लेना है। OTP प्राप्त पर करे पे हम क्लिक कर देंगे और जो हमारे पास जो कोड आएगा वो कोड OTP हम इसमें डाल देंगे। जो पासवर्ड पूछ रहा है फ्रेंड, वो पासवर्ड आपको बनाने के लिए कह रहा है, तो आप अपने इच्छा अनुसार पासवर्ड बना लीजिए और फिर जो है टिक मार्क करके आप खाता बनाए पर क्लिक कर दें। आपका खाता बन जाएगा और डायरेक्ट आप इस लिंक पर आ जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैं OTP प्राप्त कर लेता हूँ। OTP जैसे ही मुझे प्राप्त होगा फ्रेंड्स, ये एक सुरक्षा सत्यापन का देगा, उसे हमें ड्रैग करना होगा। और देखिए, मैंने इसको ड्रैग कर लिया है, ये वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें OTP मिल गया है, जो OTP हमारे मोबाइल पर आया है फ्रेंड्स, वो OTP हमने यहाँ डाल दिया है फ्रेंड्स और साइन इन कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, 3 लाइन, उस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सर्च oppo.com पर, यहाँ पर जो भी आपको सर्च करना है, कौन सा भी मोबाइल, लेकिन मुझे अभी ओप्पो A74 5G मोबाइल लेना है, तो मैं ओप्पो A74 टाइप करके सर्च कर लूँगा। जैसे ही मैंने सर्च किया फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे मोबाइल आ गए हैं ओप्पो A74 के। तो फ्रेंड्स मुझे ओप्पो A74 5G लेना है, तो मैं फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए, ओप्पो A74 बहुत ही बढ़िया मोबाइल है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये रिसीव हो चुका है फ्रेंड्स। और oppo.com की ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, इससे ख़रीदने में आपको बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये है क्योंकि बिल्कुल भी मोबाइल ओपन नहीं आता है, बिल्कुल पैक्ड मोबाइल मिलता है फ्रेंड्स। देखिए 15,990 में फ्रेंड्स, देखो इसमें डिस्काउंट भी, अगर कोई कैश में बंदा ख़रीदना चाहता है तो एक्सिस बैंक के जो है डेबिट कार्ड से ईएमआई बना सकता है, वो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बना सकता है। उसके अलावा कोटक बैंक का भी इसमें दे रखा है, 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। इसमें भी डेबिट कार्ड की ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है, और क्रेडिट कार्ड से भी वो परचेस कर सकता है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के भी दे रखा है फ्रेंड्स, और यस बैंक का भी दे रखा है। तो 10% अगर डिस्काउंट चाहिए कैश में, आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं बता दूँगा कैसे चूज़ करना है। देखिए बजाज का भी हमें ऑप्शन है नो कॉस्ट ईएमआई पर। फ्रेंड्स जैसे ही हम बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है कलर चूज़ करने का, और उसके बाद हम बाय नाउ करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास एड्रेस के लिए भी ऑप्शन आएगा, और एड्रेस हमें फ़िलअप करना है। मैंने ऑलरेडी एड्रेस फ़िलअप किया हुआ है, तो डायरेक्टली आप सिर्फ कलर चूज़ कर लें और बाय नाउ कर दें। बाय नाउ करेंगे तो एड्रेस का आपके बाद ऑप्शन आएगा, लेकिन मेरा ऑलरेडी शिपिंग एड्रेस है तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं आया है फ्रेंड्स। देखिए ये 20,290, 5,000 डिस्काउंट और शिपिंग चार्जेस भी कुछ भी नहीं, यानी 15,990 में ही ये मोबाइल आपको पड़ेगा, जो कि फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल नहीं है 15,990 में। देखिए फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट पेमेंट मेथड में, कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी, और आप EMI से ख़रीदना चाह रहे हैं तो PayU वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना है, और पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन है EMI का, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम EMI वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे पास क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI और बजाज फिनसर्व। बजाज कार्ड में हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो 1777 वाले पर हम क्लिक कर देंगे, 9 महीने तक हमें भरना है। उसके बाद जो कार्ड हमारा बजाज से नंबर जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर हमें डालना है, कार्ड नंबर हमें डालना है, और
प्रोसीड कर देना है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी मोबाइल मंगवा लिया है और मुझे रिसीव भी हो चुका है, तो मैं इसको डबल ऑर्डर नहीं करूँगा और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तो आप डायरेक्टली ओप्पो स्टोर से ये मोबाइल मंगा रहे हैं, तो किसी भी फर्जीवाड़े का आपको कोई डर नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स बिल्कुल पैटी पैक मोबाइल आएगा, यानी कि कोई भी एक भी उसकी जो है कवर खुला हुआ नहीं रहेगा, पूरा कवर अप मोबाइल रहेगा वो बराबर। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता देता हूँ मेरा भी ऑर्डर स्टेटस जो मैंने मंगवाया था, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैंने भी मंगवाया है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स सेकंड वाला ऑर्डर नंबर जो मेरा है और 11 अक्टूबर को ये डिलीवर्ड हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको व्यू कर देता हूँ पूरा। तो देखिए ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर शिफ्ट हुआ और डिलीवर्ड हो गया। और फ्रेंड्स डिलीवरी के बाद भी आपको टेंशन नहीं लेना है, डिलीवरी जब भी होगी जब आप ओटीपी बताओगे, जब डिलीवरी बॉय आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उसके बाद ही आप मोबाइल डिलीवर्ड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।